नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूं फिर से ऑफिस से कुछ आ गया है गिफ्ट। इस बार दिक्कत यह है कि ऑफिस से क्लाइंट ने भेजा है, ये ऑफिस से आपको डायरेक्टली नहीं आया, मतलब जो हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं उससे जो क्लाइंट रिलेटेड रहता है उन्होंने ये भेजा है, उनको कुछ प्रॉफिट हुआ है उसके लिए उन लोगों ने भेजा है। तो ये आया है आपका आलमंड हाउस से, ब्लू डार्ट से आया है, बादाम घर सिंस 1989, मतलब बहुत पुराना कंपनी है। तो इसको मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, खोल के दिखाता हूँ आपको क्या है इसमें पूरा हर एक चीज। लास्ट टाइम भी इन लोगों ने भेजा था ऐसा कुछ, तो उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। इनने लास्ट टाइम भी गिफ्ट भेजा था, इस साल इनने फिर से गिफ्ट भेजा सेम टाइम में। तो चलिए इसे खोलते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। लास्ट टाइम ऐसी एक पेटी मेरे पास आई थी जिसको मैंने अनबॉक्सिंग किया था, तो वो इतना महक रहा था कि पता नहीं क्या बताऊं, पर ये वाला मुझे सेंट अच्छी आ रही है तो एक अच्छी बात है। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट को। तो डॉक्यूमेंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हैदराबाद में है ये जहां से आया है, तो हैदराबाद से आया है। पर इसका पैकिंग बहुत अच्छा लगा मुझे। एक कहावत याद आ रहा है कि पैकिंग करने में बहुत देर लगता है पर उसे खोलने में बहुत ही आसानी से खुल जाता है। वही बात है ना, जो मतलब कोई चीज बनाने में बहुत टाइम लगता है पर बिगाड़ने में तुरंत हो जाता है। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो ये खुल गया है, ऐसा कुछ आने वाला है अंदर से, देखते हैं क्या मिलेगा। और ये खुल गया है, साथ में ये वाला बॉक्स निकलने वाला है। ये देखिए, ये है बॉक्स और ये कंपनी का सिंबल है साथ ही साथ। और जब मैं इसको देखता हूं तो मेरी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। ओ सॉरी, मैं प्रोग्रेस हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से इसको, यहाँ पे खोलते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये पैकिंग देख कितना चमक रहा है ये, और थैंक यू भी लिखा हुआ है। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो हम लोग तो खोल रहे हैं आस्ते आस्ते, अभी एक्साइटमेंट वेट नहीं हो रहा मुझे, बंद करा मैं तुरंत खोल दूं इसको, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट। और ये अब खुलने वाला है और ये यहाँ पे खुल गया है। तो बेसिकली ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे धूम धड़ाका हो गया, तो पहले मैं इसको सजा देता हूँ क्योंकि ऐसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये कुछ ऐसा लुक है, ये देख सकते हैं आप, हर एक चीज का ऐसा लुक है। यहाँ पे अंदर में ये कोई चॉकलेट है, देख सकते हैं आप, ये भी कोई चॉकलेट वॉकलेट है। उसके बाद यहाँ पे भी ये भी कोई चॉकलेट ही लग रहा है मुझे तो। और यहाँ पे इसकी एक खासियत ये है कि ये जो आलमंड हाउस है इसमें सारा चीजें बादाम का ही मिलता है, या तो मैं ड्राई फ्रूट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे। और ये देखिए नवाबी, सही में हैदराबाद से ही है सही में। और देख सकते हैं इसमें, ओ हो 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 हो, ये मिठाई नीचे में भी दे देते, नीचे में तो मिठाई नहीं है, नीचे में खोखला देख सकते हैं आप, बट फिर भी यहाँ पे ओ हो ये चॉकलेट है। दिखाऊं अगर मैं आपको तो ये जो है ये है चॉकलेट, तो ये चॉकलेट है। पूरा नहीं खोलूंगा क्योंकि फिर मुंह में पानी आ जाएगा तो वीडियो कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए अब ये साइड में दिखाते हैं इसमें क्या है, इसको रखते हैं हम लोग साइड में तब तक। इसके साइड में ये क्या चीज है देखते हैं। ओ वाओ, ये भी ओ हो, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ, अच्छा ऐसे खुलना है क्या, ओ माय गॉड, कुछ टूटा तो नहीं, नहीं टूटा नहीं है। अच्छा देखिए ये सब चीजें भी हैं, देखिए टेक्नोलॉजी लगाई हुई है, इसको ऐसा अंदर करिएगा उसका फिर खोल सकते हैं आप इसको। बट यहाँ पे देखते हैं क्या, वाह, तो ये है बादाम, ये है आपका भुने हुए काजू लग रहे हैं मसालेदार, ये आपका एक बादाम का अलग से जो आता है, बाप रे इसमें फूल भी है, गुलाब का फूल है और बादाम है, और ये भी बादामी है। तो खाने में तो मजा आएगा, और सबसे ज्यादा इसका मतलब मेरे को डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा। आप इसको देखेंगे साइड में ऐसे करके तो ये डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा है, देखिए तो सब मिला के बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है। तो इसी साथ वीडियो को ये समाप्त करता हूं। दोस्तों मैं चाहूंगा आप लाइक और सब्सक्राइब जो कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं ऐसे ऐसे अमेजिंग वीडियो लाने वाला हूं, व्लॉग्स लाने वाला हूं, क्योंकि अभी मैं टूर भी करने वाला हूं बाहर में इंडिया का। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूले। तो इस साथ मैं आपको बोलता हूं बाय।